साधु संतों को हम निमंत्रण देने आए हैं। 25 तारीख को उद्धव साहब अयोध्या आ रहे हैं और बहुत से साधु संतों का वो सत्कार करेंगे। यहाँ के जो शिव सैनिक हैं 24 तारीख को अयोध्या पहुँचे, उसकी तैयारी का जायजा लेने आया हूँ। हमारे यहाँ महान गिरी जी जो हैं, बड़े संत हैं, मैं भी उनसे मिलूँगा, और भी साधु संत हैं उनको हम निमंत्रण देंगे संजय राउत साहब की तरफ से, और उनको आमंत्रित करेंगे कि राम मंदिर निर्माण में मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये जो तारीख है तो 25 तारीख को डिसाइड हो, ऐसी हमारी जो वेदना रही है उसको पूर्ण करना हम चाहते हैं। और मुझको लगता है कि पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव साहब आ रहे हैं और उनके आगमन से जो राम मंदिर निर्माण की दुश्वारियाँ हैं, जो अवरोध है, मुझको लगता है वो अवरोध दूर होंगे और मार्ग प्रशस्त होंगे। तो 25 तारीख को मुझको लगता है पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा, जिस प्रकार शिव सैनिकों ने बाबरी का विध्वंस भी देखा, उसी प्रकार राम मंदिर निर्माण के लिए जो मार्ग प्रशस्त होना है वो 25 तारीख को संभवतः उद्धव साहब के आने से होगा। राम साधु संतों का सत्कार करना चाहते हैं और साधु संतों की अगुवाई में ही राम मंदिर का निर्माण होगा, तो साधु संतों का सत्कार भी होगा वहाँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को साधु संत आशीर्वाद भी अपना देंगे, तो उनकी अगुवाई में ही वहाँ डिसीजन हो कि आगे क्या रणनीति तय होगी। इसीलिए साधु संतों को हम प्रदेश भर में सबको आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर हमारी आत्मा है, चेतना है, कभी जुमलेबाजी में हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, ना कभी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या चुनावी कभी एजेंडे में हमारे रहे, या आस्था का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये हमारी आस्था नहीं है, हमारी वचनबद्धता है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जिस तरह लाखों शिव सैनिकों ने बाबरी का विध्वंस किया, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसका निर्माण भी करें। हमने विध्वंस करके भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो मंदिर का निर्माण करें, कई दशक बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोरे वादे किए और चुनाव में प्रभु रामलला को इस्तेमाल किया, उससे सारे लोगों का मन व्यथित है। जो कार सेवक हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब राम मंदिर का निर्माण, उसका मार्ग प्रशस्त होगा, और इसके लिए